ब्लैक टॉप पर कब्जा करते ही भारत ने अक्सर चीन पर कैसे कदम बढ़ा लिया है और भारत के 20,000 सैनिक तैयार हैं, अलर्ट मोड पर हैं। ये सब कुछ आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे अब कांप रहा है चीन। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। भारत ने चीन के विस्तारवादी अहंकार को चूर चूर करने का फैसला कर लिया है। जो सबक गलवान में अधूरा रह गया था, पेंगोंग में आकर पूरा होने जा रहा है। गलवान के 75 दिन बाद चीन ने पेंगोंग में हिंदुस्तान को ललकारने की फूल की थी, लेकिन भारत के शंखनाद ने चीन के होश उड़ा कर रख दिए। पेंगोंग में हिंदुस्तान का पराक्रम देखकर चीन के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन चीन की फितरत में छिपा है धोखा, इसे भारत अच्छे से जानता है। इसीलिए भारत इस बार पूरी तरह अलर्ट है। 1962 की तरह इस बार कोई गलती दोहराई नहीं जाएगी। भारत की तैयारी पूरी है। भारत की सैनिक कार्रवाई की शुरुआत 29-30 अगस्त की रात को हुई थी। चोटी ब्लैक टॉप की ओर बढ़ते हुए 25-30 चीनी सैनिक देखते गए। भारतीय सैनिकों ने ब्लैक टॉप के ऊपर पहुंचकर पोस्ट पर कब्जा कर लिया। 30-31 अगस्त की रात को चीन की सेना ने दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की। जवाब में भारतीय सेना ने पास की कई और पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना की कार्रवाई PP-27 PP-31 के बीच की गई। सारे पेट्रोलिंग पॉइंट अब भारतीय सेना के पास है। 1962 में इलाकों में चीन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन ला और रेंजोंग लॉ के इलाके पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया है। साल 1962 के बाद भारतीय सेना ने कभी अपने सैनिक नहीं भेजे। दोनों ही जगहों पर साल 1962 में भीषण लड़ाई हुई थी, मगर हिल और गुरुंग हिल पर भी भारतीय सैनिकों का कब्जा हो गया है। पेंगोंग के दक्षिण किनारे से लेकर रेजोंग ला तक भारतीय सेना ने कब्जा किया है। अब आपको समझाते हैं कि ब्लैक टॉप का रणनीतिक महत्व क्या है, कैसे इससे चीन डर रहा है। चुशूल सेक्टर पर नजर रखी जा सकती है। इस इलाके में भारतीय सैन्य ठिकाने हैं। यह इलाका समतल है, बड़े टैंक आसानी से तैनात हो सकते हैं। इनको फिंगर एरिया तेपसांग गोगरा से हटा भी सकते हैं। भारत ने चीन सीमा पर चौकसियां बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों से जो बड़ी खबर मिली है उसके मुताबिक ITBP और SSB को अलर्ट कर दिया है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम बॉर्डर पर ITBP को अलर्ट रहने का निर्देश मिल चुका है। वहीं उत्तराखंड के कालापानी में SSB और ITBP की चौकसी बढ़ा दी गई है। चीन को यह अच्छी तरह पता है कि उसका दुस्साहस इतिहास बदल सकता है, भूगोल बदल सकता है। 1962 में चीन ने धोखे से अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब भारत का अटल इरादा है कि अक्साई चीन को चीन से वापस छीन लेना है, और इसका ऐलान तो पहले ही देश की संसद में हो चुका है। अक्साई चीन भारत का ही था और भारत का ही रहेगा, अब यह तय है। इसीलिए अब चीन डरा हुआ है और अपने पिद्दी से दोस्त पाकिस्तान से हाथ मिलाता घूम रहा है। लेकिन भारत की तैयारी देखकर कहा जा सकता है ब्लैक टॉप के बाद अब अक्साई चीन की ओर कदम बढ़ रहे हैं। आप लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि एक्सक्लूसिव खबरें आपको लगातार देते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और एडवांस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।